हम परशुराम जी के चरित्र की मीमांसा कर सकते हैं तो हमारे लिए मोहम्मद क्या चीज है? हम मोहम्मद की मीमांसा क्यों नहीं करेंगे और क्यों सच नहीं बोलेंगे? और अगर मोहम्मद का सच अगर दुनिया के मुसलमान को पता चल जाए तो उसे अपने मुसलमान होने पर शर्म आएगी, उसे शर्म आएगी। और जब किसी को पता चलेगा कि तू केवल लुटेरे डकैत और जल्लाद को फॉलो कर रहा था, ऐसे व्यक्ति को जो बलात्कारी था, ऐसे व्यक्ति को जिसने औरतों की सौदागरी की है, पता है ना क्या बोलते हैं हमारे यहां? दल्ला बोलते हैं, पता है ना तुम्हें इस बात का? तो जब उसे ये पता चलेगा तो उसे शर्म आएगी। ये तो हिंदुस्तान के घटिया नेता और नकली धर्मगुरु हैं जिन्होंने ग्लोरीफाई कर दिया इस्लाम जैसी गंदगी को, अगर इस्लाम के बारे में सच छाती खोलकर बोला जाता तो आज हर मुसलमान को, दुनिया के हर मुसलमान को अपने मुसलमान होने पर शर्म आती। मुसलमान को शर्म आती कि वो जब हिंदुओं के साथ बैठता तो उसे थूक के खाना देता है। उसे शर्म आती कि उसने अपने दोस्तों के साथ क्या किया। उसे शर्म आती कि तू अपने भाई जैसे दोस्त की पत्नी पर, उसकी बेटी पर गलत निगाह रखे हुए, क्योंकि तू एक लुटेरे पे फॉलो करता है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जैसा कि अभी आपने वीडियो देखा है, इस वीडियो में एक शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बुरी बातें कह रहा है। हम उन बातों को दोहरा भी नहीं सकते, बल्कि आप इस वीडियो में स्क्रीन पर देख सकते हैं कि उसने किन अल्फाजों का इस्तेमाल किया है। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी कर रहा है ये शख्स, इसका नाम है दीपक त्यागी और इसका पूरा नाम है यति नरसिंहानंद सरस्वती, और ये जो है अखिल भारतीय संत परिषद का ये प्रेसिडेंट भी है। और इसको हमने कई सारे दूसरे वीडियोस में भी देखा है कि ये महात्मा गांधी की भी जो है उनके बारे में बुरी बातें करता है और इस्लाम के ताल्लुक से बहुत दुश्मनी रखता है। तो इन लोगों का हमको कैसे जवाब देना चाहिए? इसका सिंपल सा आंसर यही है कि सबसे पहले एक मुसलमान होने के नाते हमको दावत का काम करना, ये सबसे पहले इंट्रोडक्शन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंट्रोडक्शन हमको पूरी दुनिया में आम करना है। दूसरा, हम जो है ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें। मुसलमान जज्बात में ना आए, जज्बात में आकर कोई गैर कानूनी काम ना करे, लॉ को अपने हाथ में ना ले, इनको जो है आप कानूनी तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं। तीसरा, आप ये काम कर सकते हैं कि आपके मोहल्ले में जो भी मंदिर है वहाँ के जो स्वामी जी है उनसे मिलिए, उनसे बात करिए फ़ोन पर, सबसे पहले बात कर उनका वीडियो और वो जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या राय रखते हैं, ऐसे वीडियोस को आप जो है आम कर सकते हैं, सोशल मीडिया पर आम कर सकते हैं। देखिए ये जो एक्शन आया है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, एक स्वामी, ये कट्टर फंडामेंटलिस्ट है, ये एक्सट्रीमिस्ट स्वामी है और इनके दिमाग जो है इस्लाम से दुश्मनी में रखते हैं और बचपन से इनको यही सिखाया जाता है। तो ऐसे लोग बहुत कम हैं, ऐसे लोग बहुत कम हैं हिंदुस्तान में, मगर जब ये सोशल मीडिया पर आ जाता है तो एक बहुत बड़ा बवाल हो जाता है और जो है दो कम्युनिटीज़ के बीच में दंगा फसाद होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जैसा कि मैंने तीसरा सोल्यूशन बताया, आप ये कर सकते हैं कि आपके एरिए के जो मंदिर में जो स्वामी जी हैं वहाँ के जो पंडित हैं उनसे बात करिए और उनका वीडियो आप लेकर वो वायरल करिए। एक एक्शन आया है तो उसका इस तरीके से भी हम रिएक्शन दे सकते हैं कि ये जो शख्स कह रहा है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है। और देखिए हमारे एरिया के पंडित जी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो असल जानते हैं, कुरान और हदीस की रोशनी में जो जानते हैं, उनकी भी राय जानने की इंशाल्लाह कोशिश करिए। तो उसके वीडियो में हम दूसरे पंडित जी की वीडियो भी इंशाल्लाह वायरल कर सकते हैं। तो ये काम हम कर सकते हैं, मेहनत का काम है। फ़ोन पर पहले बात करिए पंडित जी से बात कर उनके मंदिर विजिट करिए, विजिट कर उनका वीडियो बनाकर आप सोशल मीडिया पर वायरल करिए, तो उसके जवाब में ये जवाब भी हम दे सकते हैं इंशाल्लाह। तो दूसरा जो मैंने हल बताया था वो ये है कि आप इस शख्स के ऊपर केसेस फाइल कर सकते हैं, कानून के तहत आप जो है कानून की मदद लीजिए, वायलेंट मत होइए, आप केस फाइल करिए, एफआईआर दर्ज करवाइए, अपने अपने एरिया में केस दर्ज करवाइए। अगर आपको कंप्लेंट ड्राफ्ट की ज़रूरत है तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर 9700303208 पर आप हमें मैसेज सेंड करिए, हम आपको जो है कंप्लेन ड्राफ्ट सेंड करेंगे। आपको सिर्फ फॉर्म फिलअप करना है, आपका नाम, एरिया, एड्रेस फिलअप करना है, नीचे साइन मारना है और सबमिट करना है। इतना आसान काम है, ये तो एक मुसलमान होने के नाते हमको ज़रूर करना चाहिए। ऐसे दुश्मनान इस्लाम तो जो है दुनिया में फैले हुए हैं, नॉट ओनली इन इंडिया
पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो ऐसे दुश्मनान इस्लाम फैले हुए हैं जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करते हैं। हमने जर्मनी में देखा, हमने अमेरिका में देखा, हमने डेनमार्क में देखा, कई सारे जगहों पर हमने देखा कि अल्लाह की गुस्ताखी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी और कुरान की गुस्ताखी, कुरान को जलाया भी गया, ऐसे भी वाक़यात हमने देखे। तो एक मुसलमान होने के नाते हमारा काम ये है, सबसे पहले तो कानून को हाथ में ना ले, दावत का काम बढ़ाइए, वरना ऐसे हालात तो हम देखते रहेंगे। और ऐसे हालात हम जब देख रहे हैं तो हमको फिक्र में आ जाना चाहिए, हमारे दिलों में डर पैदा हो जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे हालात की बिना पर हो सकता है कि अल्लाह सुबहाना ताला इस खित्ते ज़मीन पर ऐसा अजाब ला ले, वो भी चले जाए और हम भी चले जाए, वो गुस्ताखी के लिए वो चले जाए और हम खामोश रहने की बिना पर हम भी इस दुनिया से चले जाए, अल्लाह सुबहाना ताला का ऐसा अजाब भी हो सकता है कि अनखरीब आ जाए और जो है ऐसे लोग भी चले जाए और खामोश रहने वाले लोग भी चले जाए। तो एनीवेज बात ये कहना है कि आप जो है FIR दर्ज करवाइए इस शख्स के खिलाफ, आप नंबर पर आप रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। दूसरा ये है कि अपने घर के आसपास के मंदिर में पंडित जी से बात करिए और उनका वीडियो भी इंशाल्लाह वायरल करने की कोशिश करिए। जज़ाकअल्लाह खैर। और एक आयत कुरान की मैं आपको बताकर ख़त्म करना चाहता हूँ, सूरह तौबा सूरह नंबर 9 की आयत नंबर 61 में अल्लाह सुबहाना ताला ने फरमाया, जो कोई हमारे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करता है, उनको अब्यूज़ करता है, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। ये आयत भी हमको समझना चाहिए और ये आयत भी हमको लोगों तक पहुँचाना चाहिए। जज़ाकअल्लाह खैर।